सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा प्लान है नेरुल में ही एक वंडर्स पार्क है जहाँ की 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है और थोड़े बहुत राइड्स वगैरह है, तो वहाँ जाने का। तो मैंने सोचा चल ही रहे तो क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए, तो चलिए चलते हैं, सीधा मिलते हैं वंडर्स पार्क में। तो अभी हम लोग ने यहाँ से एंट्री ली है टिकट दिखा के। यहाँ पे राइड्स हैं जो जाएंगे। ये एम्फी थिएटर है जो पीछे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है फूड कोर्ट। वैसे हम खा पी के हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आई थिंक ये छोटा भीम का सब कैरेक्टर्स बने हुए। तो अभी एंट्री के बाद पहला राइड है टॉय ट्रेन, और यहाँ नया मम्मी और ओरू पीछे आता हुआ। वैसे ओरू काफ़ी छोटा है। मैं यहाँ पे आया था बहुत सालों पहले, तो जो 7 वंडर्स है वो दिखाता हूँ। फोकट वाली चीज़ें है ना नया, फोकट वाली चीज़ नहीं है, उस पर टिकट्स है। वो देखो टिकट की कितनी। नहीं नहीं, वो 7 वंडर्स फोकट का है। हाँ। मैं घूम चुका हूँ। तो अभी जो है वो एम्फी थिएटर है, उसमें कुछ तो प्रोग्राम चालू होने वाला है। तो वो यहाँ पे एम्फी थिएटर, तो पब्लिक बैठना चालू हो गई। तुम फाउंटेन शो, वाटर फाउंटेन। हाँ, यहाँ पे फाउंटेन भी है, तो देखना ये पहले ये घूम लेते हैं। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, इसका पता नहीं। तो जब मैं पहली बार आया था तो बस ये 7 वंडर्स थे। जो ये झूले दिख रहे हैं आपको पीछे, ये सब नया एडिशन है। तो आपको एक एक करके 7 वंडर्स दिखाता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक वो है माचू पिचू वाला, लेट्स सी। तो इसका नाम है चिकन इत्सा, मुझे लगा माचू पिचू वाला है। चलिए मम्मी नेक्स्ट। और ये अलग अजीब सी पहाड़ी, कौन सा है ये? ओके, ये है माचू पिचू। और आई थिंक ये तो क्राइस्ट रिडीमर, ये तो सभी को पता है रियो डी जेनेरियो में। और उस साइड है कोलोजियम रोम का, जहाँ मम्मी जा रही है। काफ़ी सुंदर सा बना है मॉडल। और यहाँ पे राइड्स चल रही हैं, पीछे जाइंट व्हील भी है। और हम थोड़ा लेट हो गए, अभी टिकट काउंटर्स बंद हो गए हैं, और वैसे भी हमें जाना नहीं था। तो और हाँ, और ये क्या है, पेट्रा अल कजिना कजनी, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत सा, लाजवाब। यहाँ पे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और नो प्राइस फॉर गेसिंग कि ये क्या है। जिसने कमेंट करके गेस कर दिया उसको मेरे तरफ से एक लाइक और हार्ट है ना मम्मी। जिसने ये वाला मॉन्यूमेंट गेस किया उसको कमेंट करेगा तो मेरे तरफ से लाइक और थम्स अप है ना। ये खतरनाक राइड, और लोगों की ये चीखें सुनाई देती हुई। अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अदरवाइज वो एंड तक जाता है। और यहाँ पे एक और ख़तरनाक राइड चालू होती हुई, बेसिकली झूला है लेकिन एक्सट्रीम वाला। अब ये ऊपर भी जाता रहेगा और स्विंग भी होता रहेगा। कौन सा फिंगर? स्काई स्विंगर। फिंगर।
और जब तक ये राइड देख ही रहे हैं, जब तक ये ऊपर जाता है, तो ये जो आपको पगोड़ा दिख रहा है, तो ये है पारसिक हिल पे बुद्धिस्ट पगोड़ा, जहाँ सिर्फ मेंबर्स और बुद्धिस्ट लोग ही अलाउड है। एक बार जाने की ट्राई किया था मैं, जो इश्क अनलिमिटेड वाला वीडियो था, उस दिन मैंने जाने की ट्राई की थी, बट सिर्फ वहाँ के मेंबर्स और बुद्धिस्ट को अलाउड है वहाँ जाना, बाकी कोई नहीं जा सकता, नॉट टू ओपन टू पब्लिक। और ये बच्चों का हेलीकॉप्टर राइड भी है, बट हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा है अभी। स्लाइड पे क्यों नहीं जा रहा नया ये? क्योंकि इसकी पैंट छोटी है और ह्यूमिडिटी इतनी है कि इसका पैर चिपक जा रहा है स्लाइड, तो कोई मतलब नहीं है, बेचारा इतना मेहनत करके चल रहा है। और स्ट्रगल इज रियल ओरू, इट्स ओके। क्या कुछ कहानी बता रही थी नया? अरे जो रील देखा था उसमें ऐसा तेज से ऊपर ले जाता है, फिर उसको घुमाता है और फिर नीचे गिर जाता है। ये तो ऐसा नल्ला राइड निकला, बस ये झूला झुलाने का आलसी वर्जन, खुद पैर ना हिला के मशीन घुमा रही आपको, है ना मम्मी? एयरप्लेन में खिड़की खोल के बैठो तो यही आएगा ऐसा फील। हाँ, अगर एयरप्लेन टर्न लेता रहे। तो यहाँ पे है बच्चों के स्लाइड्स एंड थोड़े बहुत और अट्रैक्शंस, स्लाइड है, झूले हैं, मंकी बार्स। आई थिंक हम थोड़ा लेट हो गए, सनसेट हो गया तो, और ये अच्छा है बच्चों के लिए, गिरेंगे तो सॉफ्ट है तो चोट नहीं लगेगी। काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे बच्चों के लिए और वहाँ पे भी। और काफ़ी सारी फैमिलीज आई हैं तो अच्छा है, फैमिली के साथ अगर पिकनिक टाइप एंजॉय करना है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे लिखा है कि आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, तो आई डोंट नो, बिना खाए पिए पिकनिक किया, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ फूड कोर्ट से ही खाए, तो बट अच्छा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि टिकट्स अभी बंद हो गई हैं, तो आई थिंक ये लास्ट राइड होगी, तो मैं दिखा देता हूँ ये किस एक्सटेंट तक जाता है। तो ये वाले की बात कर रहा था, एक ऐसे भी घूम रहा है और तेज होए जा रहा है। और बाकी लोग पता नहीं मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, अभी तक यहीं बैठे हुए थे, आप लोग ने भी देखा ही होगा, तो ढूंढना पड़ेगा अभी इन लोग को। तो फाइनली मिल गए ये लोग यहाँ पे अपने छोटे झूले पे, देखते हैं ओरू वन टू के आगे इसकी गिनती नहीं बढ़ती है, 1 2 3 को भी 2 बोलते हैं। Go! 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 फ्रिक्शन। तो आप लोग ने अभी सीख लिया होगा फ्रिक्शन कैसे काम करता है। जो स्कूल जाते बच्चे हैं इसका एग्जांपल दे देना एग्जाम में, पास हो जाओगे। कि अगर हाफ पैंट पहन के स्लाइड पे चढ़ो और ह्यूमिडिटी है तो फ्रिक्शन के कारण आप हिल नहीं सकते। ओके, ट्रायल नंबर 2। दादी उसके मुंह में चीज बॉल ठूसती हुई, और कम ऑन ओरू, बेचारा सरक सरक के आ रहा है, घसर गुंडी। और यहाँ पे दूज का चांद है मम्मी, कौन सा है? ट्राई करता हूँ दिखाने का, ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए दूज के चांद का, लकी होता है। यहाँ पे स्ट्राइकिंग कार्स भी है, मैं बचपन में बहुत खेला करता था स्ट्राइकिंग कार्स। और यहाँ पे लेजर शो, फाउंटेन शो, जो भी है, लेजर तो नहीं फाउंटेन शो चालू हो गया, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आप लोग को।
काफ़ी सुंदर सा चालू है शो। अभी ज़्यादा नहीं दिखा सकता नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, बट आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और उस साइड स्पेशली। तो ये सारे अट्रैक्शंस हैं अगर आपको देखना हो, टॉय ट्रेन, स्काई व्हील, स्काई कॉप्टर, ठीक है, वर्म कोस्टर, बम्पर का स्विंग, रॉकिंग डिस्क, अच्छा उसका नाम रॉकिंग डिस्क था, और रेट्स भी लिखे हुए हैं अगर आप लोग को देखना हो, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन। और पापा भी आ रहे हैं तो मैं अभी गेट के पास उनका वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे पापा भी आ गए तो अब सब लोग मिलके घूमेंगे। अभी यहाँ पे वो हो रहा था फाउंटेन शो, अभी भी चालू है। हाँ, म्यूजिकल फाउंटेन, हाँ लिया तुमने? हाँ मैंने कैप्चर तो किया, तो और मम्मी भी आ गई, आई थिंक सब लोग मिलके अब फाउंटेन शो देखेंगे। देखा दूध का चांद का चांद वो? हाँ देखा। तो ये वाला जो है जैसे वर्ल्ड को सपोर्ट करता हुआ, यूनाइटिंग द वर्ल्ड, तो जब मैं स्कूल में था तो ऐसे ही इसी थीम पे बेस्ड एक पोस्टर भी बनाया था मैंने, जिसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड प्राइज़ मिला था, और पापा का आइडिया था वो। पापा को अभी याद नहीं आ रहा, बट मुझे याद है, ये देख के याद आया कि ऐसा सेम पोस्टर मैंने कुछ नहीं तो 15 साल पहले बनाया था। और यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो जनरली थीम बेस्ड पार्क या कोई भी पार्क में देखी नहीं है मैंने, तो यहाँ पे ट्रैफिक के सारे रूल्स रेगुलेशन है, और एक बेसिक ऐसा ट्रायल जो ट्रैक होता है बच्चों को सिखाने के लिए कि कहाँ स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, पासिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सब कुछ। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, ये एक्चुअल रोड नहीं है, ये बस थीम है बच्चों को सिखाने के लिए, और यहाँ पे सारे रूल्स। हाँ पापा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बचपन से ही रूल्स वगैरह के बारे में सिखाना है, बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा है, खेलते खेलते सीख जाएंगे सब बच्चे। हाँ और क्या, और इसके पीछे जो है वो साइकिलिंग ट्रैक है, बट अभी अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रहा, और पगोड़ा यहाँ से भी दिख रहा है। और फाइनली मैंने सोचा था कि टॉय ट्रेन का लास्ट राइड मैंने मिस कर दिया शूट करना, बट लकीली यहाँ टॉय ट्रेन भी आ गई है पूरे पार्क का चक्कर लगाते हुए, पूरे तो नहीं बट आधे। थैंक्स टॉय ट्रेन मेरा कंटेंट बचाने के लिए। अभी थोड़ा सुलभ शौचालय जाया जाए। और मैं अभी जस्ट टॉयलेट आया था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, ये नहीं कि जेंट्स यहाँ पे और लेडीज़ बैक में है, बट नंबर 1 एंड नंबर 2 अलग अलग है, तो यूरिनल यहाँ है और नंबर 2 जाना है तो यहाँ है, एंड हैंडीकैप के लिए भी। सो समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, गुड जॉब एन MMC। तो यही था हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस वंडर्स पार्क का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कोई भी सुझाव हो कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन, दिस इज शेफ राय साइनिंग ऑफ, चीयर्स।